बल्केश्वर घाट पर वरुण देव भूमि पूजन के साथ चंद्र नगरी महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। बल्केश्वर स्थित सिंधु नगरी घाट पर विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर यमुना मैया की आरती की गई। बता दें 2 अप्रैल को राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा 24वां भव्य भगवान झूलेलाल ज्योति विसर्जन व सिंधु नगरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर बल्केश्वर घाट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ पर जो है आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। आज से सिंधु नगरी जितने भी कार्यक्रम जो आयोजन होने हैं, टेंट वगैरह, लाइट डेकोरेशन, जो भी सिंधु नगरी को जो दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, और ये आज से हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। और इससे पूर्व सफाई व्यवस्था चल रही थी और इसका जो है घाट की पुताई सफाई ये इस टाइम कार्यक्रम चल रहे हैं। बाकी इसके बाद जितना भी जो भी हमारा आज से आयोजन जो है पूर्णतः सिंधु नगरी का प्रारंभ हो जाएगा। और इसी इसमें हम वरुण देव जी का जो यहाँ पर पूजन करवा रहे हैं तथा यहाँ पर जितना भी जो भी कार्यक्रम हो जिसमें विघ्न उत्पन्न हो इस वजह से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा जो 24वां सिंधु नगरी महोत्सव जो हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ भूमि पूजन का आयोजन किया है और आज से हमने इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महाराज जी भूमि पूजन कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमारा आज से टेंट वगैरह लगने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ऐतिहासिक सिंधु नगरी जहाँ भी सिंधी कल्चर वगैरह सारे कार्यक्रम आने वाली जो हमारी बच्चे हैं पनीरी है उनको ये ज्ञात कराने के लिए सिंधु नगरी की प्रबंधक कमेटी हर साल घाट पे जो चेटी चंड का मेला होता है उस पे ज्योतियों का विसर्जन संगम जिसे हम संगम कहेंगे सतरंगी शाम का आयोजन होता है और हर साल कोई ना कोई ऐतिहासिक अपने इष्ट देव के यहाँ भवन बनते हैं और उनका इतिहास हमारे जितने भी वरिष्ठ बुजुर्ग और हमारे ब्राह्मण देवता है वो सब बताते हैं ताकि हमारे बच्चों में हमारे परिवारों में जागृति रहे और सिंधी समाज की अखंडता जीवित रहे। आज हम लोगों ने यहाँ पे इतिश्री किए हवन पूजन करके क्योंकि 2 तारीख को जब पूरे आगरा का या हुजुम उमड़ेगा, सैलाब उमड़ेगा, सर समाज का यहाँ पे इच्छा होती है कि इस सिंधु नगरी को देखें। आज झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति सिंधी नगरी का यहाँ आयोजन किया जाता है जिसका आज विधिवत भूमि पूजन करके कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। घाट पे विधिवत जैसे सफाई पुताई रंगाई उसके उपरांत अपनी साज सजावट का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और एक भव्य सिंधु नगरी का यहाँ 2 अप्रैल को आयोजन किया